अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। अलीफ्लिक्स की एक नई एपिसोड के साथ अली अहमद आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों आज हम लोग जिस जगह पर आए हुए हैं, ये जगह दोस्तों इस्लामाबाद के करीब जगह है और बड़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छी जगह है जिसको कहा जाता है शाह लता केव्स। इस जगह के बारे में हम दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि ये बहुत पुराने बुद्धा केव्स हैं जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब में मौजूद हैं। और आप दोस्त जो कि हिस्ट्री वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हिस्ट्री से शौक़ रखते हैं हिस्ट्री वगैरह देखने का, वो दोस्त यहाँ पर ज़रूर आए, इनगारों में आप लोगों को लेकर जाएंगे। यहाँ के बारे में दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ भी बताते चले कि यहाँ पर बहुत सारे टेलीविज़न के मशहूर और YouTube के भी बहुत मशहूर चैनल्स हैं जो कि यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आ चुके हैं। और दीज कहा जाता है कि दीज केव्स आर हॉन्टेड, लेकिन मगरिब के बाद, उससे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम भी अपनी फैमिली के साथ आए हैं, आप दोस्तों को भी दिखाते हैं, घुमाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं कि कैसी जगह है। हाँ जी चलिए दोस्तों चलते हैं, आप भी चलें हम भी चलते हैं। ये हम लोगों ने एंट्री की यहाँ पे और अब हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, सामने अगर आप लोगों को दिख रहा हो वो सामने जो है ये केव्स वगैरह हैं सर। और ये देखें दोस्तों पानी है यहाँ पे, तालाब कह लें पौंड कह लें। अच्छा बाकायदा सीढ़ियाँ जा रही हैं दोस्तों नीचे, मैं आप लोगों को नीचे तक लेके जाता हूँ। और ये देखें ये मैं उतर रहा हूँ नीचे और ये कुछ तालाब सा है, पौंड सा है, कुआं कह लें जो भी कह लें, ये हम उतर रहे हैं। और यहाँ मछलियाँ हैं दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ मछलियाँ, पता नहीं दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। दोस्तों ये देखें, ये बेसिकली जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया ये कैला रहा है जी, डेरा ग्रेला देसी हट, कुदरती पानी का कदीम चश्मा शाह लता केव्स का। बस यही रहना। तो ये जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया बेसिकली ये कुदरती पानी का कदीम चश्मा है और अंदर मछलियाँ वगैरह। दोस्तों ऐसे सिस्टम है कि मुझे अभी तक जो मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक फील एक नेक्स्ट अजीब लेवल की आती है, वो वही है। मतलब एक अच्छी सी फील आ रही है। पहले वो मैंने नीचे चश्मा जो था वो देखा और अब उसके बाद मैंने अभी केव्स की साइड पे जाना है और दरख्तों की, पुराने दरख्तों की अभी मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा, पुराने दरख्तों की जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें वो सारी लटकी हुई हैं पहाड़ों से नीचे और एक अलग ही मंजर पेश कर रही है ये जगह। आज से पहले हम लोग जो भी गए हैं, हम लोग ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ पर आपको अल्लाह ताला की दूसरी कुदरत देखने को मिलती है, जहाँ पर आपकी खूबसूरती उस अंदाज़ की होती है कि सब्ज़ा चश्मे आबशारें झीलें इस टाइप की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी एक अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास हो रहा है, क्योंकि ये है कि आप पहाड़ों के ऊपर, मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा कि जी पहाड़ों के ऊपर जड़ें जो हैं दरख्तों की वो इस तरीके से लटकी हुई हों और एक
अलग ही फील है। और अभी तो हम लोग उस साइड पर गए ही नहीं है, जब जाएंगे उस साइड पर तो आप दोस्त भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस हम करते हैं, क्या फीलिंग आती है देखकर इतनी कदीम जगह। हम लोगों को भी मेरे पीछे बड़ा ही एक देखो कहते ना चट्टान ऐसी होती है जो कि जी मुझे वो वर्ड नहीं जहन में आ रहा, संग कुछ वो एक चट्टान कहते हैं कि बड़ा सख्त पथरीला पहाड़ उस टाइप का चपाड़ है, उसकी एक हैबत है, अलग ही हैबत है, वो देख कर ताही होती है उसको। आप दोस्तों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा वो पहाड़ भी, बल्कि मैं अभी दिखाता हूँ। देखें दोस्तों ये है जी कौन सी जगह, डेरा गढ़ियाला बाबा बड़दास बुधा केव, के सामने आप दोस्त देख सकते हैं ये सारे हैं जी केव्स। और ये देखें ये बरगद का दरख्त है जो कि जड़ें देखें आप दोस्त किस तरीके से इसकी जड़ें जो हैं ये लटकी हुई हैं। और दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी मिसेज जो अपने व्लॉग की बेसिकली व्लॉगिंग कर रही हैं यहाँ पे फिया व्लॉग की। ये जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम हम कोई ऐसी जगह पर आए? हाँ मैंने फर्स्ट टाइम बरगद का दरख्त देखा और इस तरह ये जो जड़ें पूरी लटकी हुई है ये टीवी में ही देखा करती थी, ये आज लाइव पहली बार देख रही हूँ। बिल्कुल उधर भी है दरख्त की जड़ें वो देखी बाहर आई। हाँ मैं यही अभी दोस्तों आपको मैं जूम करके दिखाने की करता हूँ। ये देखें दोस्तों मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था वो यही है कि ये देखें पहाड़ पर मैंने पहली दफ़ा, मैंने बरगद के दरख्त जी पहले देखा हुआ है लेकिन ये पहाड़ के ऊपर इस तरीके से जड़ें लटकी हुई मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं, ये मेरे लिए नया है। तो अल्लाह की शान है जी। चलें जी दोस्तों अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं सारा अच्छा बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ पत्थरों की और इस तरीके से करके कुछ ना कुछ बना दी गई हैं। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये देखें दोस्तों हम बिल्कुल इस बरगद के दरख्त के बिल्कुल नीचे हैं दोस्तों इस वक्त। और ये देखें अल्लाह ताला की शान है आप लोगों के दोस्तों मैं ये दिखाता हूँ, ये देखें पहाड़ पत्थर के अंदर से दरख्त की जड़ निकल कर आ रही है, जड़ें देखें मजबूत हैं के पत्थर में से निकलती हुई बाहर आ गई। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इज ग्रेट। ये देखें दोस्तों ये सारी जड़ें हैं और सीढ़ियाँ, ये देखें दोस्तों ये भी जड़ें हैं, ये सारी जड़ें हैं। मैं सख्तकार के अंदर मौजूद हूँ, फर्स्ट टाइम है ऐसा मेरा कि मैं किसी गार के अंदर व्लॉगिंग के लिए आया या मैं विजिट के लिए आया बाकायदे तौर पर, मतलब मैं देख ही फर्स्ट टाइम रहा हूँ इस तरीके से गार। दोस्तों ये एक अल्लाह ताला की शान है, किसी ज़माने में आबाद होंगे, आज हमारे लिए इसलिए डिस्कवर हुए, इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने अगर इस चीज़ को जाहिर किया है दिखलवाया है तो ये हमारी इबरत हासिल करने के लिए है कि कल को कभी माजी में 100 साल पहले 150 साल पहले 1000 साल पहले नहीं पता, कहा यही जाता है कि हजारों साल पुराना गार है ये, यहाँ पे कोई रहता होगा, आज नहीं है। हम भी आज जहाँ पर रह रहे हैं आज हैं, 100 साल बाद 150 साल बाद नहीं पता हमारे घरों का, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, आने वाली नस्लें उनको देख के क्या बोलेंगी, हो सकता है वो भी ऐसी कुछ बोल रही हो। जो इंसान इस दुनिया में आया है उस इंसान ने इस दुनिया से जाना भी है, हम सब लोगों को अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए।
आगे लेके चलते। ये देखें छत काली स्या, और अंदर भी ग्रीनरी। ये एके व्लॉग्स करें तो एक अलग ही अल्लाह ताला की शान यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखें ऐसा पहाड़ है दोस्तों, मैं ये जितना ऊंचा करता जाऊंगा ना, मतलब मैंने गिर जाना, ये पहाड़ नहीं खत्म होना। और ये है कि ये देखें, ये दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो चीज मैं वहां से देखता हूँ आ रहा हूँ वो। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो है ना शाख और जड़ें दरख्त, ये देखना तो नहीं कितने फुट ऊंचा है यार, ये 20 फुट तो जगह होगी ऊंची, 20 फुट 20 से भी ज्यादा लग रही है मुझे, 30 फुट लग रहा है पहाड़ ऊंचा, जितना भी खैर ऊंचा है। ये चढ़े देखे आप तो, और नीचे अगर आप दोस्तों को मैं दिखाऊं, नीचे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को हम लेके जा रहे हैं आगे, जो मेन गार जिस तरफ है उस साइड पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ये चंद यहाँ पर ना इन लोगों ने ज़रूरी एहतियात वगैरह बताई, वो ज़रा देख लेते हैं। घर के हदूद और चश्मे वाली जगह बड़ी मुतबरक जगह है, यहाँ पर आगे पानी में किसी ने नहीं उतरना, पानी पीने की जगह पीछे है, जिसने पानी भरना हो वो पीना वहाँ से भरे। यहाँ पर कोई डिस्पोजेबल चीज़ बैठकर खाना पीना मना है, लेडीज़ का एहतराम करें, रास्तों में खड़े होना सख्त मना है, किसी जंगली जानवर को, परिंदों को या पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएँ, गैर मुल्की लोगों का एहतराम करना ज़रूरी है, गारों के हदूद में कोई गेम वगैरह नहीं खेल सकता, गारों के हदूद में कोई भी नशा करना मना है, किसी ने कुछ खाना वगैरह खाना होता तो आगामियों से रब्ता करें, इस जगह की कहानी दरियाफ्त करनी तो भी इंतजामिया से रब्ता करें, शुक्रिया। ठीक हो गया जी, तो दोस्तों एक दफ़ा फिर आप ये देख सकते हैं, तब हम आगे की जानिब चलते हैं। आ जाओ, ये कह रही सही है, वो जा रहे हैं, ठीक 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 ठीक, चले जी दोस्त आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हैं जी, हाँ ये वही चश्मा, हाँ ये वो पहाड़ में से यही चश्मा आ रहा है, तो वहाँ पे जाके जम गया ना, तो जमा हो रहा है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर चलेंगे अंदर गार की तरफ, और आप लोग भी देखिए, हम भी गार में फ्लैश लाइट ऑन करने की कोशिश करूँगा, अंदर शायद फ्लैश लाइट से आप लोग दिख जाए, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, जो अभी ह्यूमन नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं ना, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो फ्लैश लाइट के साथ आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो मैं तमाम दोस्तों वाली फ्लिक्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब भी इस्लामाबाद आए या इस्लामाबाद में रहते हैं और अभी तक आप लोग अलग तक केस नहीं आए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाइए, शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, अब हम लोग आपको अंदर ले आए हैं, ये घर है, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों, ये
व्यवहार के अंदर इस वक्त हम आप लोगों को ले आए हैं। अच्छा अंदर लाइट है, अंदर लाइट है। मैं सोच रहा था कि अंदर बिल्कुल अंधेरा होगा, वो वाइट ऐसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अंदर काफ़ी लाइट वगैरह का फीलिंग है। का टिकट है जी 20 रुपये। ये है वो झूला जिस पर अगर आप बैठे, ये झूले का टिकट है। अच्छा जी दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, इस वक्त टाइम हो रहा है जी 5 बजे का, और अभी मगरिब होने में टाइम है काफी, तो मैं बड़ा फ्रीली माहौल में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप दोस्तों से बात कर रहा हूँ। और मैं आप दोस्तों को बताऊँ, मेरी बैक साइड के ऊपर ये झूला है जो अभी हम लोगों ने खुद हिलाया, खुद से नहीं हिल रहा। पाकिस्तान एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर वो क्या है प्रोग्राम, उसके अलावा एक दो और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम जो यहाँ पर अपनी रात के टाइम शूटिंग करने के लिए आए थे, और एट दैट टाइम दे डिस्कवर्ड के ये जो आपके बैक एंड के ऊपर ये सारे चीज नज़र आ रहे हैं एरिया, और नीचे जिन कारों से हम आए और ऊपर भी हैं, कुछ जाके इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया हुआ। वहाँ पर कुछ गैर मरई मखलूकात रिकॉर्ड हुई इन लोगों के पास। ये जो झूला आप लोग दोस्त देख रहे हैं सबसे, ये बिल्कुल इसी तरीके से खुद ब खुद झूल रहा था, जबकि हवा का निशान नहीं था। ये एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं आप लोगों को यहाँ पर भी ऊपर सजेशन भी दे दूंगा, जो प्रोग्राम था उन लोगों ने यहाँ पे किया। लेकिन वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त दिन में जगह, मज़ेदार, बड़ा एक अच्छा अल्लाह ताला की शान नज़र आती है यहाँ पर। आप दोस्त भी यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, देखें सारी जगह, देखें खाने पीने के लिए भी। मेरे ख्याल में यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पर बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पर आपको खाना वगैरह, चाय वगैरह, ये सब चीज़ें भी जो मिलने चाहे आप लोग खा पी सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ऐसा ऐसी जगह नहीं है कि जी यहाँ पर आप लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर आपको। तो ये है दोस्तों, लेकिन मगरिब से पहले पहले चक्कर लगाया, मगरिब के बाद ना लगा, एक तो रास्ता ठीक नहीं है, तो यही सारा है। शाला जूता बुधा केव जी। दोस्तों आपका नाम? हसन अली अब्बासी जी। दोस्तों हमारे साथ हसन अली अब्बासी साहब इस वक्त मौजूद हैं। ये जो रेस्टोरेंट आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, ये भी इन्हीं का है, और यहाँ शाला दीपा केव्स में इन्होंने हम सब टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए बनाया है। तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये थोड़ा सा इस इलाके के बारे में आप दोस्तों को बताएं, ताकि आप लोग यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा मजीद आप लोगों को अट्रैक्शन पैदा हो। जी हसन अली अब्बासी साहब जी, इस जगह का नाम घड़ियाल है, बुधा केव्स। ठीक है, इधर लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं कि
विज़िट करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि शहर के लोग बाहर की मुकामी जगह देखने के लिए आते हैं लोग ऊपर। इसके अलावा ये चश्मा जा रहा है, ठीक है, चश्मा है। इसके अलावा साधु का बाग था, साधु का बाग काट दिया सीढ़ियों वालों ने। अच्छा। इसका आम का दरख्त एक रह गया। अच्छा अच्छा। इसके अलावा ऊपर टॉप पे बावली या कुआं, टॉप पे कहाँ पर, वो 3.5 किलोमीटर ऊपर है, शेख शाह सूरी ने बनाया है। अच्छा। जिस जगह पे भी वो कुआं बना हुआ है उसे बावली कहते हैं। ठीक 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 ठीक। जिधर भी शेख शाह सूरी ने जिधर जिधर भी गए उस जगह पे उन्होंने ये कुआं बनाया। ये जैसे इन लोगों ने रोहतास फोर्ट के अंदर भी बनाया हुआ है वो बावली उस टाइप का ही है। ये ऊपर है, ऊपर टॉप पे है। अच्छा, तो वहाँ पर हाइकिंग करके जाना होता है या गाड़ी गाड़ी जाती है? गाड़ी जाती है। इसके अलावा स्टूपा है वो हाइकिंग के लिए। अच्छा। हाइकिंग वो पहाड़ी पे है, टॉप पे है। अच्छा। वो 1.5 घंटे की हाइकिंग है, सुबह आना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा ऊपर ही 2-3 चश्मे है इधर। अच्छा। इस पहाड़ी के साथ भी है एक चश्मा। तो यहाँ पर मतलब हमने कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम देखे थे जिनमें इन गारों के बारे में थोड़ा अजीब और गरीब बातें बताई गई कि जैसे यहाँ पे मगरिब के बाद जो है कोई दूसरी मखलूकात वगैरह का है। ये वैसे ही बातें हैं। अच्छा। फिर कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, इधर लोग रात को आते हैं, नाइट इधर। अच्छा। रहते हैं लोग। अच्छा। सुबह सुबह जाते हैं वापिस। तो यहाँ पर अगर कोई मतलब दूसरे शहर से अगर कोई आता है बंदा, ठीक है, तो उसके कोई रिहायश वगैरह का कोई इंतजाम? पूरी सहूलत देते हैं रात को। अच्छा, अच्छा। हर चीज देते हैं, उसको कोई खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए। चलें जी, चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हसन साहब जी। दोस्तों, तो जैसे आपने अभी ये यहाँ पे मुकामी जो हैं हसन साहब जिनका ये रेस्टोरेंट भी है उनका आपने इंटरव्यू सुना, और जैसे कि वो भी बता रहे हैं कि जी यहाँ पर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स आई और जो उन्होंने चीज़ें डिस्कवर करके जो बताई हैं उनके मुताबिक वो सब एक मनगढ़ंत बातें हैं और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि इवन यहाँ पर मगरिब और रात के टाइम पर भी लोग आएंगे तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर उन लोगों को पूरी सहूलियात दी जाती हैं और इनकी तरफ से है कि उनकी रिहाइश वगैरह के लिए भी प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर सी हो गई हैं। आप दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारा चैनल एलिफ्लिक्स देख रहे हैं उन सब दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए और यहाँ पर आएँ तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा फील आएगी, एक अल्लाह ताला की शान देखने को मिलेगी जो कि आप लोग इस गारों की सूरत में यहाँ पर देखेंगे। तो ज़रूर आइएगा। और जैसे इन्होंने बताया कि आगे 3-3.5 किलोमीटर आगे जो है कोई बावली भी है जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी, यानी कि कुआँ। जो दोस्त रोहतास फोर्ट वाली इन्होंने हमारी एपिसोड देखी है तो उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी आगे है मौजूद, तो वहाँ पे भी चक्कर लगाया जा सकता है। दोस्तों, तो ये है जी शाह अला दिता केव और उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को ये जगह पसंद आई होगी। और मैं असल में सूरज और दरख्त के नीचे खड़ा हूँ तो साए वगैरह भी पड़ रहे हैं मेरे पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से यही कहूँगा कि अली फ्लिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का जो मेन मोटो है वो यही है कि पाकिस्तान के वो एरियाज आप दोस्तों को दिखाना जो कि अब तक इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है और वो इतने ज़्यादा अभी तक के आप दोस्तों की नज़रों से ज़रा छुपे हुए हैं। तो पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा, पाकिस्तान की खूबसूरती हमने दुनिया तक पहुंचानी है। इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियोज़ को लाइक करके, शेयर करके अपने सोशल सर्कल में, और बेल बटन बिल्कुल भी टैप करना मत भूलिएगा ताकि हमारे फ्यूचर की वीडियोज़ आप दोस्तों तक आ सकें। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अली अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप दोस्तों के सामने किसी नए व्लॉग के साथ या किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ पेश खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।